दोस्तों Xiaomi तैयार है एक और नया स्मार्टफोन लेके इंडियन मार्केट में, तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंफर्म करते हैं Xiaomi ने कौन सा फोन लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों Xiaomi ने Redmi A2 सीरीज को लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों ये A2 सीरीज में जो है दो फोन आपको देखने के लिए मिलने वाला है, Redmi A2 एंड Redmi A2 प्लस। तो दोस्तों ये दोनों फोन मिलने वाला है और दोस्तों दोनों को लॉन्च से पहले जो है पूरा एस्पेक्ट निकल के आ चुका है, प्राइस निकल के आ चुका है, कब तक लॉन्च होगा, लॉन्च डेट निकल के आ चुका है। तो दोस्तों चलिए इसी के बारे में जान लेते हैं किस तरह का होने वाला, कैसा फोन होने वाला है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पूरी डिसाइड करने वाले इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है किस तरह का ये फोन है। तो चलिए आज का वीडियो करते स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप, आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं कुमार पंकज टैग। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं Redmi A2 सीरीज से रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों Redmi A2 सीरीज में जो है दो फोन आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि Redmi A2 एंड Redmi A2 प्लस देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए इन दोनों के बारे में जान लेते हैं और दोस्तों क्या कुछ अलग से दिया गया है, यानी कि दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए दोस्तों जब भी डिफरेंट होगा तो हम आपको बता देंगे क्या कुछ डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों इसके एस्पेक्ट्स की बात करें तो 6.52 इंच का आपको HD प्लस वाला IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाला है। साथ ही इसमें रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, जो कि नॉर्मल फोन है, इसलिए दोस्तों नॉर्मल आपको देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों सामने के साइड कैमरा की बात करें तो ये आपको वाटर ड्रॉप स्टाइलिश वाला कैमरा मिलने वाला है, जो कि सेल्फी कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। और बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आपको डबल कैमरा मिलने वाला है, जो कि 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने वाला है। सेकेंडरी कैमरा जो है 0.8 MP का होने वाला है, जो कि भाई लोग का तो कोई काम नहीं है, लेकिन डिजाइनिंग के लिए दे दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसका बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो बैटरी आपको 5000 mAh का मिलने वाला है, साथ ही आपको 10 वाट का चार्जर मिलने वाला है, जो कि मैक्रो USB के साथ होने वाला है। और दोस्तों इसमें टाइप सी नहीं मिलने वाला है, मैक्रो USB होने वाला है। और दोस्तों इसका प्रोसेसर की बात किया जाए तो प्रोसेसर आपको MediaTek की तरफ से मिलने वाला है, Helio G36। तो दोस्तों ये प्रोसेसर भी नॉर्मल है, 4G तक को सपोर्ट करता है, इसलिए दोस्तों ये फोन जो है 4G हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अब आगे बात करते हैं Redmi A2 एंड Redmi A2 प्लस में डिफरेंट क्या देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों डिफरेंट देखिए यहाँ पे क्या मिलता है। तो Redmi A2 जो है इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलने वाला, और दोस्तों Redmi A2 प्लस जो है इसमें आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंट है, और दोस्तों कोई भी कहीं भी कोई तरह का किंतु परंतु नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको 3.5 mm जैक भी मिलने वाला है, डबल सिम कार्ड का सपोर्ट मिलने वाला है, साथ ही आप SD कार्ड भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये फोन जो है आपको एंड्रॉइड 13 गो एडिशन पे देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात निकल के आ जाती है। तो दोस्तों चलिए अब दोस्तों ये जान लेते हैं इनका क्या कुछ प्राइस होने वाला है, कब के डेट में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों इसका लॉन्च डेट की बात करें तो 19 मई को आपको इंडियन मार्केट में दोपहर के 12 बजे देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों इसका प्राइस की बात करें तो देखिए दो फोन है, दोनों का प्राइस अलग अलग आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों Redmi A2 की बात करें तो Redmi A2 का लगभग 6500 रुपया प्राइस होने वाला है, 6500 रुपया। और दोस्तों A2 प्लस की बात करें तो इसका आपको 7500 रुपया देखने के लिए मिलने वाला है, 7500 रुपया। तो दोस्तों ये प्राइस पे अगर फोन लॉन्च हो जाता है तो फोन में कोई तरह का किंतु परंतु नहीं है, फोन नॉर्मल फोन है, नॉर्मल यूजर के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी हम एक और वीडियो इस पे बताएंगे जबकि लॉन्च हो जाएगा, बैंक ऑफर्स वगैरह भी अगर आता है तो हम आपको कंफर्म कर देंगे क्या ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर ज्यादा प्राइस होता है तो हम आपको नहीं लेने के लिए बोलेंगे, अगर प्राइस के हिसाब से ये फोन आता है तो दोस्तों हम आपको बता देंगे कि ले लेना है। तो दोस्तों अब पूरा वीडियो देख लिया, आपको पूरा चीज समझ में आ ही गया, तो वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।